और इसके ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है वाइल्ड फील्ड। समरसेबल हमेशा दो पार्ट्स में रहता है बॉक्स में, कॉपर कभी जले नहीं इसलिए वाइल को डाला जाता है। अगर पानी अंदर चल जाएगा तो दोस्तों तो फिर शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे ताकि भविष्य में कभी भी खोलना पड़े तो आसानी से खुल जाए, जो डिस्प्ले में इसको शो करेगा। फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, थंबनेल पिक देख के पता चल गया होगा कि कौन सा मशीन का आज हम लोग फिटिंग करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्रम्पटन कंपनी का समरसेबल है। इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम पूरा डिटेल्स दिखाएंगे कि इसमें क्या है और क्या इसमें लगता है, किस तरह इसको फिटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एचपी का समरसेबल है। इसको इलेक्ट्रिक वाटर पंप के नाम से इसको जाना जाता है, बोरवेल में इसको फिट किया जाता है। और इसका पावर है, नजदीक ले गया, इसका पावर है 0.75 यानी कि 750 वाट का है। और एचपी में इसको बोलिएगा तो एक एचपी का है। और ये 10 स्टेज का ये समरसेबल है। और इसके ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है वाइल्ड फील्ड, यानी कि इसका मोटर जो है दोस्तों ये वाइल्ड फील्ड में इसका वाइंडिंग हुआ है। ऐसे दो फील्ड में ये कंपनी बनाती है, जैसे कि वाइल्ड फील्ड है और एक वाटर फील्ड में बनाती है। तो ये वाइल्ड फील्ड का समरसेबल है दोस्तों, चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समरसेबल हमेशा दो पार्ट्स में रहता है बॉक्स में। देखिए ये समरसेबल पंप हो गया और ये मोटर पंप हो गया। इसमें मोटर में इसके अंदर वाइल भरा हुआ रहता है और वाइल के अंदर ही कॉपर वाइंडिंग किया हुआ रहता है ताकि कॉपर कभी जले नहीं, इसलिए वाइल को डाला जाता है। और देखिए ये मूविंग होता है जब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन देंगे, उसके बाद इसमें ये फिट होगा तो इसमें पंखा हुआ लगता है, इसमें पंखा लगा हुआ रहता है। 10 स्टेज का है तो 10 टाइम इसमें लगा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों, इसको पहले इसमें फिट करते हैं, उसके बाद आगे तक बने रहिए और अपने अपने इसमें बताएंगे पूरा फुल डिटेल्स देंगे कैसे मसाले को फिट किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा जाली लगा हुआ है, यहीं से पानी को मतलब मशीन खींचता है और ऊपर जो है मतलब प्रेस करता है। तो जाली को पहले खोल लेंगे, ये डस्टर इसमें लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से ये जाली और उसके बाद इस पंप को इसमें फिट करेंगे। इसमें वाशर है, वाशर को पहले इसमें लगा लेंगे। टोटल चार वाशर रहता है, चारों में लगा लेंगे, उसके बाद इनलेट को इसमें लगा लेंगे। और कसने के लिए देखिए दोस्तों, 12-13 का पाना लगता है इसमें। 12-13 का आदमी पाना भी ले सकते हैं, बेटर रहेगा कि नहीं पाना लीजिए दोस्तों। ग्रीन पानी मेरे पास भी था लेकिन इस तरह से इसे कस देंगे दोस्तों। इसको कसने के बाद फिर जस्ट इसके सामने वाला जो उसको कसेंगे दोस्तों, इधर ये नहीं, इसको पहले कस लेंगे। अब इसके बाद ये दोनों को कसेंगे। देखिए दोस्तों, पूरा ही चारों नट पूरा पूरी तरह से कस दिए हैं इसको। अब इसमें जो जाली जो खोले थे इसको फिर वापस इसमें लगा देंगे। जाली लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको भूल से भी मतलब छोड़ ना दें। जाली अगर नहीं रहेगा तो पूरा पानी के साथ साथ जो कचरा भी रहेगा ना, माटी पट्टी वगैरह सब पंखा में आके फंस जाएगा तो फिर जाम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक वायर सेफ्टी बेल्ट इसको बोल सकते हैं, इस वायर को यहाँ सेफ्टी करने के लिए इसमें लगाया जाता है।
देखिए समरसेबल से इसमें तीन वायर निकलता है, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तीनों वायर स्टार्टर में जाएगा, इसमें भी तीन वायर रहता है तीन कलर का। नजदीक लान है हमारा वजह भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना, कभी बोलो बंद कर दिया अपन, खाली है रख। देखिए दोस्तों वायर को दोनों को छील लिए हैं, देखिए छोटा बड़ा कर दिए हैं दोनों तरफ से, और इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए एक वायर ऐसे जॉइंट होगा और इसी तरह से तीनों वायर को जॉइंट करेंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे, और तीनों वायर का जॉइंट अलग अलग डिस्टेंस में रहेगा। और एक टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और एक ये देखिए दोस्तों ये कच्चा टेप है। कच्चा टेप लगाने से एक फ़ायदा होता है कि इस जॉइंट के अंदर पानी अंदर नहीं जाएगा, अगर पानी अंदर चल जाएगा तो दोस्तों तो फिर शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए कच्चा टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले रेड वाला का जोड़ेंगे, रेड को रेड में जोड़ेंगे,